चाइना और दुनिया के सबसे अजीब फल जो आपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। नंबर 10, गोल्डन शुगर केन। चीन के वैज्ञानिकों ने इस गन्ने को स्पेशली खाने के लिए ही बनाया है। दरअसल यह गन्ना इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि किसी केले की तरह हाथों से छीला जा सकता है और इसे हाथों से तोड़ा भी जाता है। आपको बता दें कि यह गन्ना काफी रसीला और मीठा होता है, जिसे खाना नसीब की बात है क्योंकि इतना सॉफ्ट गन्ना मैंने तो आज तक देखा नहीं। नंबर 9, मून ड्रॉप ग्रेप्स। ये चीन में तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही अजीब तरह के अंगूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लंबे अंगूर होते हैं जो बहुत ज्यादा मोटे भी होते हैं और ऐसे अंगूर मैं गारंटी लेता हूँ आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे, जो काफी स्वादिष्ट भी होते हैं। ये बड़े बड़े गुच्छों में लगते हैं जिन्हें देखकर मजा ही आ जाता है। इन्हें कैलिफोर्निया में उगाया जाता है और ये प्रीमियम तरह के अंगूर होते हैं जो महंगे भी होते हैं। नंबर 8, चाइनीज ऑरेंजेस। चीन में एक खास तरह का संतरा उगाया जाता है जिसे अगर आपने देख लिया तो मुंह में पानी आना गारंटीड है। ये संतरा बहुत ही ज्यादा रसीला होता है, साथ ही साथ बहुत ताजा भी होता है। वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि इस संतरे को निचोड़ते ही रस की धारा बह चली है। हमने तो ऐसा संतरा सपने में भी नहीं देखा और ये काफी फायदेमंद भी होता है। नंबर 7, गोजी बेरीज। ये लाल रंग का फल है जो चीन में मुख्य रूप से मिलता है। भारत में भी हिमालय की तराई में इसकी खेती होने लगी है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके कारण ये चीन की सरहदें पार हर जगह मिलने लगा है। मीठे बेर की तरह दिखने वाला ये फल चीन में पारंपरिक दवा के तौर पर लगभग 2000 सालों से ज्यादा समय से होता आया है। नंबर 6, सीडलेस मैंगो। आपने आज तक गुठली वाले आम खाए होंगे लेकिन बिना गुठली के आम भी पाए जाते हैं। जी हाँ, चीन में इस तरह के आम बहुत ज्यादा होते हैं, पर हम आपको बता दें कि इस तरह के आम सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि भारत और भी बाकी देशों में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी उपज ही भारत में हुई थी। इन आमों में बिल्कुल कागज जितनी पतली गुठली होती है, जो ना के बराबर होती है, और इसका प्रूफ भी आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 5, पिंक कोकोनट। आपने ऐसी अमरूद तो देखी होगी जो अंदर से लाल होती है, लेकिन क्या आपने ऐसा नारियल देखा है जो अंदर से लाल या कहे तो पिंक होता है? जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ही नारियल है जिसे काफी पसंद किया जाता है, जिसका स्वाद नॉर्मल नारियल से थोड़ा सा इन्हांस्ड होता है। नंबर 4, मंक फ्रूट। ये है मंक फ्रूट जो पत्थर की तरह होता है और इसे तोड़ना बहुत मजेदार होता है। इसके अंदर ऐसा फ्रूट निकलता है जिसे लोग खाना पसंद करते हैं। इसका सूप बनाना चीनी लोगों को ज्यादा पसंद है, जो काफी फायदेमंद बताया जाता है, और यह फ्रूट चीन में काफी मशहूर भी है। नंबर 3, ड्यूरिया। ड्यूरियन फल चीन के सबसे लोकप्रिय फलों में से है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बदबूदार फल है। इसके बाद भी इसे किंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का राजा कहा जाता है। यहाँ तक कि विदेशी लोग चीन या इंडोनेशिया जैसे देशों में जाने पर इसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। वैसे ड्यूरियन की महक इतनी तेज और खराब होती है कि अक्सर फलों की दुकानों में इसे कांच के बक्से में अलग से रखा जाता है। ये सबसे महंगे फलों में से है, जिसका किलो भर 1000 रुपए से ज्यादा का होता है। नंबर 2, पेपिनो दुल्से फ्रूट। इस फल के बारे में कहा जाता है कि ये सब्जियों और फलों का मिक्सचर है, क्योंकि ये टमाटर जैसा होता है लेकिन असल में इसका स्वाद मेलन के जैसा होता है, जो बहुत मीठा होता है। आपको बता दें कि यह देखने में भी अजीब है और इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि यह हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। ये काफी महंगा भी होता है क्योंकि इसकी खेती कम ही की जाती है। नंबर 1, ब्लैक डायमंड एप्पल। इससे पहले भी एक वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो चीन में पाए जाने वाला अजीब तरह का सेब होता है। काले रंग के इस सेब का स्वाद भी आम सेब से मीठा होता है और यह रेयर भी होता है। इसी वजह से इसकी कीमतें आसमान छूती है। अगर आपको फिर भी इसे खाना है तो चाइना जा सकते हैं, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, जिसे खाना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।